अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब, आज हम सुबह सुबह कहीं टूर पर जा रहे हैं और इंशाल्लाह हमें भी बहुत मज़ा आने वाला है और आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो घर से निकले हैं, अभी सूरज तलू नहीं हुआ, फोग है काफ़ी, जो कि आई थिंक कैमरे में नज़र नहीं आ रही। वैसे सारा दिन में इतनी ठंड नहीं होती। तो निकलते हैं अपने सफ़र की तरफ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको भी हमारे साथ बहुत मज़ा आएगा। तो वहाँ पहुँच के बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो सफ़र अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा बाहर निकल कर आए तो हमने फ़ील किया कि यहाँ पे फोग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सूरज तलू हो रहा था और वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा व्यू था जो हमने बहुत इन्जॉय किया। सुबह सुबह निकल के कहीं विज़िट पे जाना, उसका अपना ही मज़ा होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि फोग भी बहुत ज़्यादा थी, तो लेकिन जैसे जैसे सूरज निकल रहा था फोग कम हो रही थी और एट लास्ट हम जहाँ पे आ रहे थे वहाँ तक हम पहुँच चुके थे। और यहाँ से हमारा एक नया व्यू शुरू होता है। ये जी, हम एक गांव में आए थे, इरफान के एक फ्रेंड हैं, उन्होंने सुबह सुबह अपने गांव में इनवाइट किया था। ये देखें, ये कितने खूबसूरत परिंदे हैं, ये भी सुबह सुबह इंजॉय कर रहे थे पानी में। तो इसको भी हमने कैप्चर किया, जो कि बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। गाँव में सुबह सुबह काफ़ी फोग थी, तो आगे शुरू करते हैं अपना व्लॉग। चलो इतना हो गया ना, हम आ गए आज आपके लिए वीडियो बनाने। और ये देख तो सारे खेत हैं, इतने सारे, अभी आपको एक खेत भी दिखाते हैं और इनके पास और भी बहुत कुछ है, वो भी दिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मूंजी थी, यानी कि चावल की जो फसल थी, वो काट ली गई थी और अब गंदम की फसल जो थी वो उन्होंने उस पर काम करना था, तो इस वजह से ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अली जी, अब हम ये कुर्सी अंदर रख देना। ये आप ही नहीं है बेटा, ये भैया है। ये आप ही। ये जी फोन स्टार्ट है और बाबा ने करने है कैमरा। चलो भाई, हरेश कुर्सी अंदर रख दो। ये हमारा रूम है जी, खाद के लिए बनाया। ताला लगा, चाबी निकाल लेना, चाबी अंदर रह जाए। और हारिस से कुंडी भी नहीं लगी। मैंने ऐसे बंद नहीं हुई इतनी कश्मकश के बाद, उन्होंने 2 मिनट में कर ली। आओ, आपको बाकी आज व्लॉग बहुत बड़ा होने वाला, पार्ट 1 पार्ट 2 बन जाएगा। और वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग।
आप नए व्लॉग में आ गए हैं, सही है। मैंने आपको सलाम भी कर दिया, सलाम अलैकुम। हेरा ऊंट और हमारी पता नहीं हमने मोटर बाइक के पास कैसे जाना है, हमें नहीं समझ आ रही, पकड़ने भी नहीं दे रहा कोई ऊंट। अब असीब की बारी है गिरने की, मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे नहीं पता कैमरा पकड़ो जी बाबा, ये देखिए जी बाबा के बाद चले गए कैमरा। यार अंत पर एक कार, ये देखो जी कैमरा कर ले इस तरफ। ना ना एक जानवर दे जी, तकरीबन 3 से 4 साल बच्चे की नकल होती है, देखोगे। निकल पड़े हैं यहाँ से, अब हम जा रहे हैं घर, नहीं जाते फिर तुरेंगे और क्या। और करवाने मैं खुद आज बड़े दिनों बाद आया हूँ इधर। ये रहा भूसा भूसा, अरे इस कैमरा में ये रहा भूसा, और ये इधर सारा लोड हो चुका है भूसा। तूड़ी 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 है ये जी, सारी जो है तूड़ी और बोरियों में बांध के मार्केट में लेके जाएंगे फिर सारी अपने घर यानी भेज। ओ साजी परा पैर रखो, परा 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 होली 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 हो गया परा, सब तो जाए पैर रख लाला। भूसा ऊपर से ये पर दलदल से कौन अजीब खा के देखो, ये देखे जी हसीब हमारा कट्टा उनको कह रही है वो तमीज। ये रहा और ये रहा भूसा, भाई करके ये सारा कहाँ पर लेके जाएंगे, ये उधर जहाँ पे जानवर के पास गए थे ना वहाँ पे लेके जाएंगे, जहाँ हम रखी जाएगी ये जी। हम जाएंगे बड़े ही आराम से, ये बहुत ही फिसलने वाली मिट्टी है, हमें बड़ा डर लगता है इस पर। ये देखो जी भाई मैं गिरा, ये बहुत साल भर गए। मैं ये जिनके जिन ये जिन वैड़ों के पास जाना है, वैड़े और बकरियों के पास जाएगा, अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे, गाओ वगैरह गोट्स हैं उनके पास बहुत सारी, वो भी दिखाएंगे आपको, और थोड़ा आगे जाके एक्सप्लोर वो देखें, वो भी भूसा बंद हुआ हुआ है और सारा इलाका इतना। आप जब भी आए ना इन जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा भी लग रहे, मुझे आज पहली दफ़ा, पहले से दूसरी दफ़ा है मेरा यहाँ पर। पहले दफ़ा जब मैं आया था मैं इधर आया नहीं था, इधर बस इनके वो जो काव वगैरह थे वो देख के चले गया था। और ये सारे गांव हैं, गांव दिखाता हूँ आपको, एक मतलब खेत वगैरह मेरे से सही नहीं आ रहा। ये भी भूसा है सारा, ये भी देखें गंदम कसती हुई है, ये देखें ये एक दाना उठाया मैंने, सही है। ये देखें नरम हुई पड़ी है ना, छिल रही है ये, इसका मतलब है ये ना एक दो दिन तक ठीक हो जाएगी। ये देखें उस कमरे के पास थे अभी हम, और इधर आ गए वो कमरा आपको जू